देखो अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सीम अपीयर टू बी फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट के पास सीम है अपीयर है, चाहे तुम सीम लगाओ अपीयर लगाओ कोई फर्क नहीं है। उसके बाद टू है, उसके बाद बी है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म है, अर्थात इसमें क्रिया है, इसमें कोई एडजेक्टिव वगैरह की बात नहीं है, है ना। तुम जैसे भी हो सीम लगाओ या अपीयर लगाओ, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट लिखे ही लिखे, वो तो वैसे भी लोग जान रहे हैं कि सब्जेक्ट ही होगा, है ना। लेकिन मैं इसमें ये सब्जेक्ट लिख दिया हूं, ठीक है ना। क्या है ये पूरा मामला जरा इसको समझना। कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि वो पढ़ रहा है। इसमें दो टेंस है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मेरी बात को ध्यान से समझो, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पढ़ रहा है। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें भी देखो ये पास्ट इंडेफिनिट ऐसा लगा, पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट कंटीन्यूअस, ध्यान से समझना। क्यों ऐसा मालूम होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि बाहर बारिश हो रही है, ऐसा मालूम होता है कि वीरू तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये निगेटिव में, ये निगेटिव में है सेंटेंस, और ये इंटरोगेटिव में है, और ये क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस। सब मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझो। ऐसा प्रतीत होता है कि वो पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट तुम्हें निकालना है, तो सब्जेक्ट तो यही है ना, वह पढ़ रहा है। देखो ही आ गया, अब क्या आएगा, मामला है ऐसा प्रतीत होता है। अब यहां पे एक समस्या है कि भाई रहा रही वाला सेंटेंस की जय मार देंगे, क्या देंगे, लेकिन नहीं ऐसा कुछ देंगे। सब्जेक्ट के पास सीम या अपीयर है, तो इसका पांचवा फॉर्म सीम्स होता है, अपीयर का पांचवा फॉर्म अपीयर्स होता है। हमने बोला कि ये आधा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आधा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो ही के बाद जो आएगा वो ये इसी वर्ब के अनुसार आएगा, प्रतीत होता है का सेंस आएगा, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो भाग है उसका होगा, तो ही सीम्स हो जाएगा, या तुम सीम्स लेगा अपीयर्स लिख सकते हो। तो ही आ गया तुम्हारा सीम या अपीयर, वैसे कोई एक लेना था, क्योंकि हमें पांचवा फॉर्म इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ही है, तो ही सीम्स। टू आ गया, बी आ गया, और चौथा फॉर्म रीडिंग, यानी ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस, हो गया ही सीम्स टू बी रीडिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पढ़ रहा है। ही सीम्स टू बी रीडिंग, ये टू बी रीडिंग, ये देखो ये फोर्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंस दे दिया, और ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे दिया। ऐसा लगा कि वे लोग तुम पर हंस रहे थे, ऐसा लगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट कंटीन्यूअस में, तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट को लेना है, तो इसमें वे लोग तुम पर हंस रहे थे, तो दे। अब मामला पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सीम्स नहीं होगा या अपीयर्स नहीं होगा, तो क्या होगा, या तो हम सिम्ड लिखेंगे, यानी सेकंड फॉर्म का लिखेंगे, है ना, और या तो हम मतलब सिर्फ सेकंड फॉर्म का लिखेंगे, तो या तो हम सिम्ड लिखेंगे या तो हम अपीयर्ड लिखेंगे। तो चलो हम अपीयर्ड से बना देते हैं, यहां पे देखो दे अपीयर टू बी, है ना, लाफिंग एट यू, laughing at you, ध्यान से देखो, they appear to be laughing at you, clear हो गया। ऐसा मालूम होता है कि बाहर बारिश हो रही है, present continuous और present indefinite, ऐसा मालूम होता है कि बाहर बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तो it का प्रयोग होता है, it ही subject होता है, है ना, तो it seems to be, है ना, हम यहाँ पे seems की जगह appears भी लिख सकते थे, यानी अपीयर का पांचवा फॉर्म। इट सीम्स टू बी रेनिंग आउटसाइड, आउटसाइड, इट सीम्स टू बी रेनिंग आउटसाइड। अब ये तो मैं 1, 2, 3 ये तीन सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में तुम्हें बना के सिखाया है। अब जो बाकी के जो सेंटेंस है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, अब मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझो। ऐसा मालूम होता है कि वे लोग तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मालूम होता है कि वीरू तुम्हें मदद नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा मालूम होता है कि वीरू तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं, है ना, यानी दे डू नॉट सीम टू बी हेल्पिंग। ध्यान से देखो क्या आया, ध्यान से देखो, ऐसा मालूम होता है कि वीरू तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मालूम होता है ना, वे लोग तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं। They do not seem to be helping you। ऐसा मालूम होता है, तो तुम ये वाक्य का मतलब जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम इसको करना है,
क्योंकि बी के बाद है तो चौथा फॉर्म मैंने लगा दिया दे डू नॉट सीम टू बी हेल्पिंग यू, ऐसा मालूम होता है कि मेरे तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रतीत हुआ कि एलिया उससे बात कर रही थी? ठीक है, तो डिड एलिजा अपीयर टू बी, ध्यान से देखो तुम लोग, अपीयर टू बी, क्योंकि डिड है तो यहां पे अपीयर सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता। डिड एलिजा अपीयर टू बी टॉकिंग टू हिम, क्लियर हो गया? आगे है, ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे मदद कर रहे हो, ऐसा क्यों लगता है, तो क्या हो जाएगा? Why do you seem to be, देखो यहां पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, Why do you seem to be, है ना? Why do you seem to be helping me? ये तुम्हारा हो गया, है ना? Why do you seem to be helping him? Negative, interrogative और question mark। तो इसको आज भर इतना है।